केंद्र और नागालैंड के बीच जारी शांति समझौते के बीच और केंद्र के तमाम दावों के बावजूद नागा संगठनों ने अब तक अलग संविधान और झंडे की मांग नहीं छोड़ी है। NSCNIM प्रमुख टी मुइवाह ने जोर देकर कहा कि नागा कभी भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनेंगे और न ही वे भारतीय संविधान को स्वीकार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राजनीति दरबार और मैं हूं आपके साथ रुचि पांडे। नागालैंड में चल रही शांति वार्ता में संविधान और झंडे पर फैसला होना अभी बाकी है। नागालैंड में हो रही शांति वार्ता का मुद्दा देश की संप्रभुता और एकता के नजरिए से बेहद अहम है। राज्य के सबसे बड़े उग्रवादी संगठन NSCNIM और केंद्र सरकार ने ठीक 23 साल पहले वर्ष 1997 में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यानी समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के बाद शांति प्रक्रिया के मंजिल तक पहुंचने की कुछ उम्मीद जताई गई थी। 2015 से लेकर अब तक दोनों के बीच लगातार शांति वार्ता चल रही है, जिसकी अगुवाई राज्य के राज्यपाल कर रहे हैं। जारी शांति वार्ता के बावजूद इस प्रक्रिया में अक्सर गतिरोध पैदा होते रहे हैं। वर्ष 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला, लेकिन अलग राज्य बनने के बावजूद नागालैंड में उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। वर्ष 1975 में तमाम उग्रवादी नेताओं ने हथियार डालकर भारतीय संविधान के प्रति आस्था जताई, लेकिन यहाँ कुछ उग्रवादी संगठन अभी भी अलग राज्य और राष्ट्र की मांग करते हैं। इस बीच नागा संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागलिम इसाक मुइवाह के प्रमुख टी मुइवाह ने कहा कि नागा में अलग झंडे और अलग राष्ट्र की मांग न करने वालों को देशद्रोही बताया। मुइवाह ने राज्य के राज्यपाल और शांति वार्ता में मध्यस्थता निभा रहे RN रवि को सरकार की कठपुतली तक कह दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों RN रवि ने राज्य सरकार को पत्र भेजा था, जिसमें अवैध गतिविधियों और वसूली में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। राज्यपाल के पत्र के जवाब में ही सरकार को एक सर्कुलर निकालकर सरकारी कर्मचारियों से ये बताने को कहा गया था कि किसी उग्रवादी संगठन से उनके परिजनों का कोई संबंध तो नहीं है या परिवार का कोई सदस्य तो शामिल नहीं है। मुइवाह ने कहा कि अगर सरकार उनकी शर्तों पर राजी नहीं होती है या पिछले समझौतों से पीछे हटती है तो वे वार्ता छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। हालांकि कई बार पूछे जाने पर भी उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वह इस वार्ता को और कितना समय देने को तैयार हैं। उन्होंने ये बताने से भी लगातार इनकार किया कि अगर वे शांति वार्ता छोड़कर जाते हैं तो क्या NSCNIM नागालैंड में 1997 के सीज फायर के पहले की सशस्त्र स्थिति में वापस जा सकता है या नहीं। बीते कुछ महीनों के दौरान होने वाली घटनाओं ने दोनों पक्षों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि हर बार एक नया गतिरोध पैदा हो रहा है। पूर्वोत्तर की राजनीति और उग्रवाद पर हर दौर की बातचीत के बाद विवाद का कोई ना कोई नया मुद्दा उभर ही जाता है। देश में इससे पहले शायद ही किसी शांति प्रक्रिया में इतना लंबा समय लगा हो, लेकिन नागा शांति प्रक्रिया में अभी कई पेंच है। ऐसे में बहुत जल्द कोई समाधान सामने आने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। अब ये देखना अहम होगा कि सरकार इस मामले को किस प्रक्रिया द्वारा सुलझाती है। इस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी में बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने राजनीति से जुड़ी दूसरी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।